इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो 2016 का शिफ्ट 3 का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मसाला। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैथ के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 6, 12, 20, 30, उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क है और 56 और फिर 72। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये देखिए क्रम प्लस 6 हुआ है, फिर उसके बाद प्लस 8 हुआ है और फिर उसके बाद प्लस 10 हुआ है। तो इस तरीके से आगे होना चाहिए प्लस 12, ठीक है। तो प्लस 12 होना चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 प्लस 12 यानी कि 42 हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 42। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है cot a बराबर 12/5 और यहाँ पर sin a प्लस cos a इंटू cos a का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर sin a प्लस cos a, ठीक है, cos a को क्या कर लेंगे, पूरा अपान में sin a, यानी कि अगर इसको अलग करके लिखा जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस cot a, और cot a की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 12/5, यानी 1 प्लस 12/5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 12/17/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 107.03 से कितना घटाया जाए कि 96.4 आ जाए, यानी कि 107.03 से 96.4 घटाओगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 10.63 ये आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन पी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर यह है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस कॉस स्क्वायर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, यहाँ पे अंडर रूट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर। अंडर रूट 10 स्क्वायर यानी कि उसको बाहर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अमन और अजय किसी काम को या किसी दीवार को 9 और 12 दिन में बनाते हैं, तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितनी जल्दी काम को कर लेंगे, ये है क्वेश्चन। 9 दिन में बनाता है और एक 12 दिन में बनाता है, तो टोटल काम कितना हो गया, यानी दोनों काम एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, एलसीएम 36 हो गया। अब दोनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, टोटल काम कितना है 36, यानी 36 काम को 7 एफिशिएंसी से किया जाएगा, 5 सही 1/7, ये टोटल टाइम लगेगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल ऑफ राइट आइसोलेट एंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90° है और दोनों ये जो हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इन दोनों का जो है सम, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, लेकिन बराबर बोल रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45°, यानी कि इसका पी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंजुगेटिव क्रमागत नंबर, तो पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया x प्लस 1, पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना कर दिया, दूसरे के 2 गुने से 5 ज़्यादा है तो दूसरे का 2 गुना कर दिया और 5 ज़्यादा कर दिया, यहाँ पर बराबर, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, ये हो गया 2 + 5 = 7, x की वैल्यू 7 आ गई है, दूसरी संख्या को क्या हो जाएगी 8, यानी 7 और 8, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नंबर मिडिल में होगा, किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए 5 नंबर हैं, उसको चाहे आप अवरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें, मिडिल वाला जो है वो दोनों में सेम प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी क्रम में इसको लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 44 वाला है वो सबसे छोटा है, यानी कि सबसे पहला जो हो जाएगा 44/56, दूसरा हो जाएगा 44/65, ठीक है। फिर उससे बड़ी संख्या कौन होगी, उसके बाद 46/46 तो लास्ट में आएंगे, उससे बड़ी संख्या होगी 45/65, यानी 45/65, और उसके बाद 2 संख्याएं जो हैं वो नीचे होंगी, और मिडिल में हमारा कौन आ जाएगा, ये वाला, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी मिडिल में 45/65, 45/65 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ
16, यानी कि अंडर रूट 16 और इंटू 4 का स्क्वायर, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 64, ये 64 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। अमन 144 संतरों को 360 रुपये में खरीदता है, 360 का 10% कितना हो जाएगा? तो 360 का 10% प्रॉफिट के साथ में हो जाएगा ये 36, और ये 36 हो गया 396, ठीक है। 360 की चीज़ थी, उसने 396 बेच दी। कह रहे हैं कि एट वाट रेट पर दर्जन ही सोल्ड, यानी 144 संतरे थे तो कितने दर्जन संतरे थे? 12 दर्जन संतरों को उसने 396 रुपये में बेचा, तो एक दर्जन संतरे को कितने रुपये में बेचेगा? तो ये होगा 396/12 यानी कि 33 रुपये में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67, 69, 78 और 88 ये हैं किसी चार सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं, एवरेज कुल लाना है 80, एवरेज कुल 80 लाना है। तो इसके लिए पांचवें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए? तो एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको 67 + 69 + 78 + x मान लेना और इसको 5 से डिवाइड कर दोगे और बराबर 80। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राम की अगर x आयु है तो उसके पिता की आयु हो जाएगी 4x। आगे कह रहा है 5 साल बाद यानी कि x+5 और 4x+5। राम की आयु 3 गुनी हो जाएगी उसके सन की आयु की, तो इसका जो है थर्ड कर देंगे, बराबर इतना हो गया। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 15 और ये 5 यानी कि 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 40, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कह रहा है किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, यानी कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी ए बी की तरफ, बी ए की तरफ, ठीक है। 2.5 घंटे दोनों चले, उसके बाद दोनों के बीच की दूरी जो है वो बच जाती है, ये इतनी दूरी है, ये 25 बच जा रही है। बाद में यहाँ तक पहुँचा, ये वाला यहाँ तक पहुँचा, उन दोनों के बीच की दूरी 25 बच जा रही है, यानी कि दोनों ने टोटल कितनी दूरी तय की है? 300 टोटल थी, दोनों अभी तक 275 किलोमीटर तय कर चुके हैं। द स्पीड ऑफ वन स्कूटर इज 10 किलोमीटर/आवर मोर देन अदर, एक की अगर x है तो दूसरे की हो जाएगी x+10, एक की स्पीड x है तो दूसरे की x+10, और दोनों कितने टाइम तक चले हैं? 2.5 घंटे तक, ये टोटल इन दोनों की दूरी हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा 2x+10 बराबर, इसको यहाँ पर कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर ये हो गया 0 1 और फिर ये 1 0, 110 यहाँ पर हो जाएगा 110। तो 2x बराबर हो गया 100, तो यानी x = 50। अगर एक की 50 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 60। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 रुपये के 100 अंडे खरीदे हैं, तो 600 रुपये का टोटल क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पर सीपी कितना हो गया? 600 रुपये। फिर उसके बाद कह रहा है कि 25 अंडे को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 25 अंडे यानी कि 25 × 6 = 150, 150 रुपये की चीज़ है, उस पर आपने 10% का लाभ लिया, कितने का बेचा? 10% का लाभ हुआ तो 165 रुपये का बेच दिया, ठीक है। और आगे कह रहा है कि अगले 25 अंडे जो हैं उनको जो है 25% लॉस पर बेच दिया, 150 जो अगले रुपए थे यानी कि जो 150 की चीज़ थी उसको उसने 25% लॉस पर बेच दिया, 150 का 75%, ये यहाँ पर हो जाएगा 112.5, ठीक है। फिर उसके बाद बचे 50 अंडों को वो 20% लाभ पर बेचता है, तो बचे 50 यानी कि 50 हैं तो इसका जो है 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एक अंडा 6 रुपये का है, 300 रुपये की चीज़ है, 300 रुपये की चीज़ पर उसने कितना प्रॉफिट लिया है? 20%, 300 रुपये की चीज़ पर 20% प्रॉफिट लेने पर
वो कितने का बेचेगा, 360 रुपये का। तो उसने 165, 112.5 और 360 इतने रुपए में अंडे बेचे, खरीदे कितने में थे, 600 रुपए में। तो आप इन सभी को जोड़ लो, यहाँ पर इन सभी को जोड़ोगे 165 ये हो गया, ये हो गया 112.5 और ये हो गया 360, ठीक है। इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना टोटल, उसने अंडे 600 के खरीदे, कितने के टोटल बेचे, ये हो गया 637.5। इतने के उसने बेच दिए, 600 के खरीदे, 637.5 के बेचे, प्रॉफिट कितना हुआ, 37.5। कितने पर हुआ, 600 रुपये पर, तो इसका कितना प्रतिशत हुआ, तो इसका हो गया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6.25 का परसेंटेज का इसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नल 5 मिनट में एक टंकी भरता है, दूसरा 10 और जो तीसरा है वो 20 घंटे में खाली कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम यानी कि कितना हो जाएगा 5, 10, 20 का 20 हो गया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। फिर उसके बाद टोटल यहाँ पे वर्क कितना है 20, इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी क्योंकि ये दोनों टंकी भर रहे हैं, यानी कि 4 और 2 हो गया 6 और ये खाली कर रहा है तो इसको घटा देंगे, 4, 2, 6 में से एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 20/4 4 घंटे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी 25% हानि पर एक वस्तु को 4200 रुपये में बेचता है, यानी कि 75% बराबर है 4200। अगला कह रहा है कि उसको 25% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, 75% बराबर 4200, तो निकालना है आपको 25%, 25% प्रॉफिट निकालना है, यानी कि 125% निकालना है। तो ये हो जाएगा 4200/75 × 125, तो यहाँ से 25 × 75, 25×5 = 125 और ये हो गया 1400, 1400 × 5 यानी कि 1450, ये हो गया 7000, तो इसको 7000 में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, a² - b² तो इसको खोल देंगे a+b और a-b, ये हो गया a-b डिवाइडेड बाई a+b, तो यहाँ से a+b कैंसिल हो जाएगा, बराबर 25 दिया हुआ था, तो यही इसका आंसर हो गया 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 275000 रुपये और उस पर जो है रेट कितना है 8%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 275000 और ये हो गया 8 × 3 66000, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहे हैं 66000 इंटरेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि उसने सेटलमेंट के टाइम 3,35,000 रुपये दिए, उसके अलावा एक स्कूटर दिया और स्कूटर की हमको कीमत निकालनी है, तो 66000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। टोटल उसको कितने पैसे वापस करने होंगे, उसको टोटल वापस करने होंगे पैसे, इस दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3,41,000 रुपये। इतने रुपये उसको वापस करने होंगे जबकि उसने 3,35,000 रुपये वापस किए, 3,35,000 रुपये वापस किए, उसके साथ में एक स्कूटर दिया, तो स्कूटर की कितनी कीमत हो जाएगी, यहाँ से इसको घटा देंगे तो स्कूटर की कीमत आ जाएगी 6,000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक बस 35 खंभों को 1 मिनट में पार करती है, 35 खंभों को 1 मिनट में पार करती है जबकि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर दी हुई है। बस की चाल निकालिए, बस की स्पीड कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। हमको सबसे पहले निकालनी है टोटल दूरी, ये खंभे दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक और प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 है, तो दूरी निकालते टाइम आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये 50 हो गया और इसका मल्टीप्लाई आप 35 से नहीं करोगे, 34 से करोगे, एक खंभा आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके 35 खंभों में इसके कितने पार्ट होंगे, 34 पार्ट होंगे, तो इनको पार्ट से लेना है क्योंकि दो पार्टों के बीच की दूरी 50 दी हुई है। तो ये टोटल दूरी हो गई, ठीक है, ये दूरी है मीटर में और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो इसको सेकंड में बना लेंगे तो ये हो जाएगा 60 और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो फिर इसको बना लेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 18/5। तो यहाँ से जीरो कैंसिल हुआ, 6 3 हुआ और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 34 × 3,
तो 34 × 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9 = 10, 102, 102 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ए की हाइट, ए की हाइट बी की हाइट का 5/8 है, तो बी की हाइट 5/8, और इसमें पूछ रहे हैं कि ए और बी का रेशियो, बी और ए का रेशियो, तो बी अनुपात ए कितना हो जाएगा 8/5, यानी कि 8:5, इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां 15, 20 और 30 मिनट में बजती हैं, 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, और 11 बजे अगर वो एक साथ बजी थी तो नेक्स्ट टाइम वो एक साथ कब बजेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालोगे इसका, एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 20, 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि 60 मिनट, 11 बजे बजी थी तो 60 मिनट बाद फिर से बजेंगी, तो 11 से 1 घंटे बाद यानी कि 12 बजे, 12 बजे वो फिर से बजेंगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट में हो गया 60 सेकेंड और 12 सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 घंटे का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 72, 36 को कट किया, यहाँ पे आ गया 2, यानी कि 2%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10। तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें इसकी ट्रिक के बारे में डिस्कशन किया है, किस तरीके से आप अभाज्य संख्याएं आराम से निकाल सकते हो बिना काउंटिंग किए हुए, तो आपको वो ट्रिक सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने अभाज्य संख्याओं की ट्रिक के बारे में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।